शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है और उनकी पूजा कर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी लड़कियों यानी कन्याओं को कंजके भी कहा जाता है, अतः यह पूजा कंजक पूजन के नाम से भी प्रसिद्ध है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होती है। कन्या पूजन में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 साल से 10 साल की उम्र के बीच में ही होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 में होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा की 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें, वह बालक बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी और 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को सांभवी और 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं को होने से यह सक्रिय हो जाती हैं। इनकी पूजा से माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। कन्या पूजन से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर ले, और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आए तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाए, बल्कि पहले उनके दूध या पानी से पांव धोए। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाए, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाए। कन्याओं का बोलकर भी किसी प्रकार से अपमान न करें। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा न करें और कन्याओं से पहले किसी को खाने न दे। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव न करें। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूड़ी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और भैरव को जबरदस्ती भोजन ना कराए, वे जितना खाए उतना ही आदर पूर्वक खिलाए। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाए और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद ले और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। देवी पुराण के अनुसार कन्या की पूजा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और व्रत की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं को भोजन कराने से कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी ठीक हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी। दोस्तों।